हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम गजराज है और मैं लंदन की अलग अलग जगहों की वीडियोस बनाता हूं और इस चैनल पर अपलोड करता हूं। तो इससे क्या होता है कि मैं अपने साथ साथ आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट करता हूं और यहां के नई नई जगहों के बारे में बताता हूँ, नई नई जगहों के बारे में एक्सप्लोर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट टाइम लंदन की जो बिजी गलियाँ हैं उसमें लेके जाऊँगा। और आज हम आए हैं पिकाडिली सर्कस, जो कि यहाँ का एक बड़ा सर्कल है और बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की। तो इस सर्कल पे ना कि सिर्फ यहाँ के लोग, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं। और ये जो सर्कल है पूरे दिन बिजी रहता है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग परफॉर्मेंस करते हैं। हम बाद में यहाँ की गलियों में भी घूमेंगे, तो यहाँ के जो रेस्टोरेंट है या फिर जो लोग यहाँ पर कैसे अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं या फिर कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो आपके ऊपर बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम आ गए हैं पिकाडिली सर्कस, वो सामने पिकाडिली सर्कस है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो एरिया है वो कितना चमक रहा है और कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, फोटोज़ ले रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये जगह कितनी साफ़ सुथरी है, एकदम नीट एंड क्लीन। किसी भी तरह का कोई आपको जो कचरा है वो रोड पे नज़र नहीं आएगा। रोड्स बहुत ज़्यादा क्लीन से यहाँ के, और कोई भी वायर या फिर यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बाहर नहीं है। हर चीज़ इन्होंने अंडरग्राउंड कर रखी है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, इसलिए ये ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह रहती है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ की जो बसेज है, रेड बसेज, वो बहुत ही फेमस है यहाँ की। और ये एक तो अब हम चलते हैं सर्कल के उस तरफ और देखते हैं कि किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि अभी बज रहे शाम के 8 और आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। इधर सब लोग अपने आप में बिजी है और कुछ लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं सर्कल के उस तरफ, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और ये भाई साहब हैं डांस करने वाले, तो अभी ये तैयारी वगैरह कर रहे हैं डांस करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोगों को अट्रैक्ट करके इनके पास बुला रहे हैं और फिर ये वन बाय वन डांस करेंगे और इसके बाद चंदा मांगेंगे। तो ये इनका रोज का काम है वैसे। और इस तरफ आप देख सकते हो कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ जैसे ही जमा होगी ये डांस स्टार्ट करेंगे। Hello people! Thanks for seven of you. Thank you very much. We'll try this one more time and action. Hello, people! Yay! Everyone say, hey guys, nice to meet you. My name is Johnny. This is Volta. This is Max and this is Mo. And we're here to entertain you folks. But just before we start, we need to let you know this show has three simple rules. Rule number one. Guys, if you see something in the show that you like, you need to clap your hands and make some noise. So let's give it a go. Let's connect them palms. Yes, yes. Guys over there, don't clap with your hands in your pocket. You might hurt yourself. Now, rule number two. Guys, if you see something in the show that you don't like, you still clap your hands and make some noise. Yes, this is all positive.
ये रहा यहाँ का रेलवे स्टेशन, और अब हम चलते हैं यहाँ की कुछ गलियों में और वहाँ देखेंगे कि लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की गलियों का कुछ नज़ारा है। ये पूरी नाइट बिजी रहती, यहाँ पे लोग मतलब खाते पीते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है इधर। पूरी नाइट शोर शराबा रहता है और लोग रोड पे नाचते हैं, गाते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। Well, if you like that song, it's my own, so follow me on Spotify or anything. I hate promotion. I hate it so much. It's over there, my sign there. I never really promote it, so I should. Nice. Yeah. You can be one of my 36 listeners for now. I have a Latin song, that's right. It's not, I usually... और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो गलियाँ हैं इनको किस तरह से डेकोरेट किया गया है, कैसे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे रोड्स पे किसी तरह के कोई स्टॉल्स वगैरह या फिर ठेले वगैरह इस तरीके से नहीं लगाने देते हैं। ये यहाँ का रूल्स है यहाँ का कि कोई भी चीज़ आप रोड पर ऐसे सेल नहीं कर सकते हो, आप शॉप में ही कर सकते हो। जो टेंट इस आप देख रहे हो यहाँ पे जो साइड में लगे रोड के, और इनके नीचे टेबल्स वगैरह लगी हैं, तो लोग बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई स्टॉल्स वगैरह रोड पे नहीं लगती हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से डेकोरेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने गलियों में और बहुत सारी जगहों पे घूमा था, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी इससे अच्छी जगह लेके जाऊंगा और वहाँ के बारे में बताऊंगा, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।